हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रुद्र और आप देख रहे हैं रुद्र ZX9। तो चैनल में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। और आप लोग प्लीज जरूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज जो एक्सपेरिमेंट है ये लेमन वोल्केनो है, तो लेमन वोल्केनो कैसे बनाते हैं हम पूरा वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो ये है, मैंने ले लिया बेकिंग सोडा और 3 नींबू ले लिया और उसको इसी तरह काटना पड़ेगा। काटने के बाद दो साइड में काटना पड़ेगा जैसे कि, उसके बाद उसके अंदर जो रस है उसको मैं ही तरीके से, देखिए शोन है, शोन से मैं ठीक कट्ठे कर दिया, उसके अंदर से पूरा रस डालना चाहिए। उसके बाद मैं कलर देंगे। ये कलर जो है आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने ले लिया गुलाल कलर, तो गुलाल का कलर उससे सब मिला दिया। मिला देने के बाद मैं तीनों कलर अलग अलग डालेंगे। तो चैनल में आप लोग जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके छोटे भाई समझ के सपोर्ट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। यह मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ पास से, प्लीज़ कीजिए आगे बढ़ने के लिए, छोटा भाई को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए, वीडियो है जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो लेमन वोल्केनो है। तो लेमन वोल्केनो बनाने के लिए मैं क्या क्या लिया है और क्या क्या मैं मिक्स कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, देख ही सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए तो मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो पहले हो सकता है आप लोग किया है ना भी किया है, जहाँ पता नहीं, जो देखा नहीं तो ज़रूर देख लीजिए। इसके अंदर मैंने कलर डाल दिया, ये फ्लोरोसिन कलर है, मैंने कुछ स्केच पेन होता है, स्केच पेन के अंदर का जो रिफिल होता है मैं वो रिफिल ले लिया। लेने के बाद अब ये लिक्विड मैं डाल रहा हूँ, बाद में बता देंगे कौन सा लिक्विड है, कौन सा केमिकल है। ये केमिकल आप डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको, देखिए कैसे, जितने मैं देखिए, चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास चले जाए, ठीक है। तो इसी तरह मैं जितना नींबू है वो सारे नींबू के अंदर मैंने बेकिंग सोडा डालेंगे। डालने के बाद देखिए क्या चमत्कार होता है, ठीक है, जितना डालेंगे उतना ही निकलेगा, जितना डालेंगे, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं घर में ये ट्राई, पहले वीडियो देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करते हैं कुछ, और आप लोग चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए कैसे हो रहा है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।